सहारा इंडिया लेटेस्ट अपडेट। जमानत हेतु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सहारा इंडिया रीजनल मैनेजर देवेंद्र कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट जो है सहारा इंडिया की है। 12 मार्च 2023 की जमानत हेतु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सहारा रीजनल मैनेजर देवेंद्र कुमार शर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा इंडिया से भी केस चल रहा है, लेकिन ये केस कोई सहारा से भी या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड नहीं है। ये केस धोखाधड़ी का है। यहाँ पर रीजनल मैनेजर देवेंद्र कुमार ने काफ़ी लंबे समय से एक बड़ा प्लॉट यहाँ पर निवेशक और एजेंटों के साथ किया था। नकली बॉन्ड दिए गए थे, लाखों की करोड़ों की हेरा फेरी यहाँ पर की गई थी। तो दोस्तों, ये केस अपने आप में कुछ अलग है। बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम लेकर आए सहारा इंडिया परिवार से है। सहारा इंडिया परिवार रीजनल मैनेजर देवेंद्र कुमार शर्मा, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जेल की सलाखों में बंद है, वह अपनी जमानत हेतु प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र कुमार शर्मा ने इसके पहले भी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जहां से हाईकोर्ट ने देवेंद्र कुमार शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अब देवेंद्र कुमार शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका दायर कर अपनी जमानत की मांग की। आपको बता दें कि निवेशकों का पैसा न देने के आरोप में उज्जैन रीजनल मैनेजर सहारा इंडिया देवेंद्र कुमार शर्मा जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जमानत याचिका दी गई है कि यहाँ पर फिर इन्होंने अपनी जमानत याचिका डाली है। तो धोखाधड़ी के आरोप में फंसे हैं रीजनल मैनेजर। जैसे कि हमने आपको बताया कि धोखाधड़ी की गई है एजेंटों और निवेशकों के साथ। सहारा समूह के सताए एजेंटों और निवेशकों ने सहारा इंडिया परिवार के रीजनल मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके आरोप में रीजनल मैनेजर की काफ़ी बुरी हालत हो गई है। आपको बता दें कि रीजनल मैनेजर काफ़ी लंबे वक्त से जेल की सलाखों के पीछे है, जहां पर अपनी जमानत याचिका हेतु माननीय हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अब मैनेजर ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया। अब देखना है कि क्या माननीय उच्च न्यायालय सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर को जमानत देता है या फिर खारिज होती है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मामला कुछ अलग तरह का है। यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट या सेबी या सहारा या किसी तरह का मैटर नहीं। यहाँ सीधा सीधा धोखाधड़ी की गई है और निवेशक और एजेंटों को जो है नकली बॉन्ड दिए गए हैं, और यहाँ पर लाखों रुपए की यहाँ पर हेरा फेरी की गई है, जिसमें ये फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसी अपडेट पाने के लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में। तब तक के लिए US खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय जय भारत। साइन और दोस्तों।